अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। दोस्तों, मेरे ब्रांड न्यू F17 में एक इशू आ गया था, तो मैंने सोचा कि नियरेस्ट ओप्पो का सर्विस सेंटर विज़िट किया जाए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। बट देन आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड दिस होल एक्सपीरियंस एंड सी कि हमें ओप्पो का सर्विस सेंटर अपनी डिवाइसेस की रिपेयर के दरमियान में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और मैं इस पूरी सर्विस का रिव्यू करूंगा, एक एक स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन्होंने मुझसे अगर पैसे चार्ज किए हैं नहीं किए। बाय द वे, मेरा ये फ़ोन वारंटी में है, सो ऑब्वियसली इट्स गोना गो फॉर फ्री, बट अदरवाइज डिफरेंट केस सिनेरियोस भी डिस्कस होंगे। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं ओप्पो F17 के रिपेयर प्रोसीजर को देखते हैं और यहाँ पे सर्विस सेंटर की एक एक चीज़ को चेक करते हैं। तो प्रो पाकिस्तानीज, किसी भी सर्विस सेक्टर का कैलिबर दो चीज़ों से चेक होता है। एक तो उन लोगों का इखलाक और डीलिंग कैसी है, सेकेंडली हाउ वेल दे नो अबाउट देयर प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी SOPs की पाबंदी। सिंस कोरोना इज़ आउट देयर, तो काफ़ी अच्छे इंतजाम, यानी मास्क की पाबंदी, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, मेरे इशू को प्रॉपरली सुना गया और उसको प्रॉपरली डायग्नोज करके राइट डायरेक्शन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की गई। मुझे बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि वहाँ पे एक बैकअप के लिए सिस्टम पड़ा है, आप जाएं और कंप्लीट प्राइवेसी में अपना सारा डाटा जो है उसको बैकअप करें और उसके बाद फ़ोन को दोबारा लेकर आएं। सो दिस इज़ समथिंग जो कि पहले लैक करती थी सर्विस सेक्टर के अंदर, या जो भी आप सर्विस सेंटर में आप जाते हैं, मुझे पहले इस तरह की कोई फैसिलिटी देखने में नहीं मिली। दिस इज़ वन थिंग के जो यूनिक्स यू नो सेलिंग पॉइंट है सर्विस, और उसका अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। खैर, मैंने अपना सारा डाटा जो है वो सिक्योर सिस्टम के अंदर डाला और वापस अपना फ़ोन लेकर आया और मैंने रिप्रेजेंटेटिव को दिया। सो इट वॉज ऑल गोइंग वेरी स्मूथ एंड द इशू वॉज रिजॉल्व। लाइक मतलब देवर क्लेमिंग कि वो एक घंटे के अंदर अंदर इशू रिजॉल्व कर देंगे और मुझे वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही थी। अब यहाँ पे जितनी भी फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं या जितने भी यू नो जो भी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वारंटी के अंदर है, तो वो आपको FOC प्रोवाइड की जाती हैं, आपकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट से लेके बैटरी रिप्लेसमेंट या कोई भी मुश्किल से मुश्किल तरीन काम एक घंटे के अंदर किया जाता है। वेटिंग के लिए वहाँ पे TV की सहूलत मौजूद थी, चाय कॉफ़ी का सेटअप है, यू नो एक घंटा मैक्सिमम बताया जाता है, बट मुझे जो है वो 35 मिनट्स के अंदर ही वापस कॉल कर लिया गया और उसके बाद जो मुझसे फॉर्म था वो वापस ले लिया गया और मेरा जो भी फ़ोन था वो बिल्कुल ठीक करके मेरे हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अगर मेरा फ़ोन वारंटी में नहीं होता तो हमें फिर भी 10% डिस्काउंट मिलता है स्क्रीन रिप्लेसमेंट में और मेन बोर्ड मेंटेनेंस के ऊपर। मुझे मेरा फ़ोन वापस दिया गया और बाकायदा तौर पे तसल्ली करने को कहा गया कि मैं अपना फ़ोन जो है प्रॉपरली चेक करूं, और उसके बाद आई हैड टू साइन कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आई हैड टू पे नॉट इवन अ सिंगल रुपी। और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहा। तो प्रो पाकिस्तानी, सिनेरियो कुछ यूँ है कि आई हैव नेवर बीन टू अ सर्विस सेंटर फ्रॉम लाइक लास्ट 5 to 6 ईयर्स। सो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई डिडंट इवन फाइंड एनी सिंगल वन ऑफ देम। द होल एक्सपीरियंस वॉज बेटर देन वट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरा फ़ोन 35 मिनट्स के अंदर रिपेयर होके ठीक होके मुझे वापस मिल चुका है। सो ओवरऑल दिस होल सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस वाज गुड इनफ। स्टाफ का बिहेवियर, SOPs को फॉलो करना, फ़ोन का बैकअप और इन सारी चीज़ों के अंदर मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थ्रू आउट मुझे गाइड किया गया है। दो बीइंग अ टेक रिव्यूअर आई नो ऑल दीज थिंग्स, बट एक नया कस्टमर जो बेचारा फ़ोन को उस हिसाब से यूज़ नहीं कर पाता, उसको असिस्ट करने के लिए स्टेप बाई स्टेप गाइडलाइन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फास्ट क्विक रिस्पॉन्स है और बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि मेरा फ़ोन वारंटी में था, ठीक कर दिया गया है। सो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और जितने भी लोग
ऑलरेडी किसी सर्विस सेंटर का विजिट कर चुके हैं, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उनका अच्छा रहा या बुरा रहा। तो प्रो पाकिस्तानीज, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।